क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम की T20 सीरीज जीतने से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतिम और तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम को 12 रनों से मात देकर इस तीसरे T20 मुकाबले में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए मैथ्यू वेड और कप्तान एरोन फिंच की जोड़ी इस तीसरे T20 मुकाबले में पूरी तरह फेल रही। कप्तान एरोन फिंच को पारी के दूसरे ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने हार्दिक पंड्या के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला बड़ा झटका दिया। कप्तान एरोन फिंच बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते बने, लेकिन फिंच के बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ ने मैथ्यू वेड के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करी। इन दोनों ने पारी के 9वें ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन पारी का 10वां ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। स्टीव स्मिथ ने 23 गेंदों में 24 रन बनाए। अब यहां से सभी को लगा कि शायद ऑस्ट्रेलियाई टीम 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन स्टीव स्मिथ के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल को भारतीय फील्डरों ने और गेंदबाजों ने 3-4 जीवन दान दिए, जिसके चलते ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू वेड ने एक धमाकेदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों ने पारी के 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने मैथ्यू वेड को LBW आउट करके भारतीय टीम को एक अहम मौके पर सफलता दिला दी। सेट हो चुके मैथ्यू वेड गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक अहम मौके पर वेड का विकेट भारतीय टीम को मिलना एक बड़ी बात थी। मैथ्यू वेड ने 53 गेंदों में 80 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं इनके साथी खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी 36 गेंदों में 54 रन बनाए। इन दोनों की इसी धमाकेदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 186 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम से मिले 187 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल एक खराब शॉट खेलकर पारी के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के शिकार बने। लोकेश राहुल बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते बने, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने शिखर धवन के साथ मिलकर पावर प्ले में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में इन दोनों ने 35 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की, लेकिन पारी के 9वें ओवर में भारतीय टीम को शिखर धवन के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगा। उन्हें स्वेप्सन ने डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट कराया। शिखर धवन ने 21 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली। शिखर धवन के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन को भी स्वेप्सन ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराया। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर को LBW आउट करके स्वेप्सन ने इस जीते हुए मुकाबले में भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब भारतीय टीम को अंतिम 9 ओवरों में जीत के लिए 100 रनों की आवश्यकता थी और मैदान में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या मौजूद थे, लेकिन यह दो दिग्गज बल्लेबाज भी अंत में बढ़ते दबाव को नहीं झेल पाए और पहले तो पारी के 18वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को एडम चंपा ने एरोन फिंच के हाथों कैच आउट कराया। हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 20 रन बनाए। वहीं पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को एंड्रयू टाई ने डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम की जीत की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। अब भारतीय टीम को अंतिम 6 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से भारतीय टीम का हारना लगभग तय ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अंत में तूफान आया शार्दुल ठाकुर का, जिन्होंने लगातार 2 छक्के जड़कर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। अब भारतीय टीम को अंतिम 3 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन जो काम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को करना था वह काम कोई गेंदबाज करे ऐसा कम ही दिखाई देता है, और भारतीय टीम को शार्दुल ठाकुर के साथ यही हुआ और भारतीय टीम 12 रनों से यह मुकाबला हार गई। लेकिन अंत में शार्दुल ठाकुर ने 242 की स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में शानदार 17 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। वैसे दोस्तों, आपको यह T20 सीरीज कैसे लगी और आपको इस पूरे श्रृंखला में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, आप उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।